Yeah. अब तो मैं हमें नहा के ही बात ले गई हूँ सुबह नहीं था लेना आपको पता नहीं था पहले भी था वो धुलावा नहीं था मेरा सर ने दो दिन से गिन किया था ना वो तो फिर गर्म पानी करती हैं अजीब सा फील हो रहा था नहीं फ्रेश वाटर मोटर चला ली थी तो वो उससे ना है हाँ नहीं लगती नहीं बहुत ही गर्म था और हमारा बाथरूम जो है ना वो उसमें कोई ऐसा नहीं है अच्छा रोशनदान वगैरह या जिससे हवा आ सके अच्छा अच्छा तो वो फिर मुझे इजी लगा सुबह तो मैंने फिर वो वैसे भी मेरा दूसरे तीसरे दिन होता है शावर लेती हूँ मैं दूसरे तीसरे दिन सर्दियों में ज़रा ये हो जाता है दो चार दिन गुजर जाते हैं लेकिन डैंड्रफ जनाब आपको भी हो रही है डैंड्रफ हो गई होगी मुझे हो रही थी खारिश हो रही थी मुझे रैश हो रही थी तो मैंने कहा बस वही ऑयलिंग कम होने की वजह से अभी आपने ठंडे पानी से लिया नहीं हाँ फ्रेश वाटर तो गरम गरम था हाँ जब फ्रेश वाटर आता है ना तो इतना गरम होता है ना कि फील नहीं होता सख्त सर्दी में भी ऐसे ही आता है पानी सख्त सर्दी जितनी होती जाएगी ना पानी गरम होता जाएगा अच्छा मैं तो 70 दफ़ा सोचूंगी ये मेरे हस्बैंड तो नहाते हैं वो जब मोटर चलाएं ना आप या फ्रेश वाटर आ रहा हो तो उसमें यह है कि नहीं फील होता टाइम नहीं था बाद में मेरी छोटी मम्मा ने जो है ना वो बाल उल्टे सीधे करके ना हाँ। वो फिर देखती है कईयों का ना वो देखने का ना तरीका स्टाइल हाँ, हाँ। वो मतलब इस तरह करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके हाँ। ये भी एक आर्ट है सर देखना भी किसी का जुएं देखना ऑयल लगाना ये भी एक आर्ट है ये भी सब नहीं कर सकते सही कह रहे हैं लेकिन अगर ये सही तरीके से हो ना तो फिर इसका फायदा भी सही होता है अब मैंने क्या मैं कैसे ऑयलिंग करती हूँ कभी कभार खड़े खड़े थोड़ा सा लिया हाथ पे तेल इतना इतना सा तेल जरा सही नहीं और वो लगाया पूरे सर में वो भी अच्छा लगे दो घंटे के बाद नहा लिया एक घंटे के बाद नहा लिया तो वो फिर उसके जो नहीं फैक्स नहीं ये जो है क्या इसका नाम है इसकी नहीं पड़ती क्या नाम है फजर जो है जुए हाँ हो जाती हैं उसके ये जब हम आते हैं ना ब्रिश वगैरह के या ये हमारे आती हैं तो हालांकि ये एक साथ नहीं सोते हैं लेकिन फिर भी ना पता नहीं कैसे वो कंघी में या तकियों में रह जाती होंगी ना उनकी सही कह रहे असरात तो वो फिर वो हो जाती हैं उसके भी बाल उसको बहुत शौक है लंबे करने का बेटियों को उनको नहीं फजर को लंबे करने का शौक हाँ वो बस हमारी गली में नौजवान लड़के हैं ना उन्होंने लंबे और इसके पापा की कैप है पी कैप है अच्छा उसके ना लॉन्ग हेयर हैं उस कैप में अच्छा तो वो सब समझते हैं कि उसने आमिर ने बाल रखे हैं लंबे अच्छा तो वो कहता है मैंने भी ऐसे बाल रखने हैं मैं ओरिजिनल रखूंगा पापा मैं ओरिजिनल रखूंगा अबू का वो कहता है पापा मैंने तो वो उसका अबू पता क्या कहता है कहता है तुझे मैं बताऊँ बाल रखेगा पढ़ने का शौक बड़ा उसको क्रेज है फैशन का अच्छा हाँ कपड़े जूतियाँ वगैरह वो भाई लेके देते हैं आपके क्या आप भी मैं तो अब नहीं लाई जब से मेरे पास आया ही लेकिन अच्छा। मैं नहीं लेके आई काफ़ी अच्छा हो गया बनाऊंगी सर्दियों में ला कर रखा हुआ एक सूट मैंने उसको तो लेकिन स्टिच नहीं हो पा रहा कपड़ा ले आई थी मैं अच्छा ये इसका कद भी लंबा नहीं करना हाँ मेरा भाई माशाल्लाह बहुत ऊंचा लंबा है तो इसकी हाइट लंबी लग रही है जवानी में ना बिल्कुल जवानी क्या अभी भी बच्चा ही है हमारे आगे तो बिल्कुल जैसे इंडियन संजय दत्त ने अच्छा सेम वैसी शक्ल मैं दिखाऊंगी पिक्चर आए बस अच्छा तो वो ये अपने बाप पे जाएगा माँ का छोटा होगा ना माँ का छोटा वो जरा सा फजर का और लगा लें तो माँ इतनी है बस अच्छा हाँ वो छोटा है मेरी कोशिश और भी कि जुए आ जाए बालों में मेरे तो फिर वो सभा से मैं दिखाऊंगी सभा देखेंगी तो आप मैंने कहा आप देख लेंगे लेकिन वो मेरे हालात कम है ना लिखे निकले हैं कुछ ये बड़ी दुआओं के बाद आएंगे करती ना पिद्दा
कहाँ गुम हो गया यार, आया था मुझे। शॉपिंग हाँ इधर ही नजर आया मुझे। पता नहीं कहाँ गया। कश्माला के नहीं जाती जो बेचारी, हाँ उसके नहीं जाती जो मेरे को अक्सर सारा साफ हो भी जाता है, उसके नहीं जाती। वो कईयों के ना वो लंबे बालों में ना। हाँ हालांकि वो बहुत साफ रखती है सर अपना, अच्छा शैम्पू करती है हफ्ते में 2 बार और अच्छा ऑयलिंग भी करती है वो, लेकिन फिर पता नहीं क्या मसला है, वो कहते मामा मेरा सर नीट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। तो आप कर दिया करें जब आती है तो। मैं इतना 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए तो जाती हूँ, और कभी कभार मैं कौन सा उसके आंटी के लिए जाती हूँ। तो वो नहीं देख देती, नंदे वगैरह देख लेती हैं वो, घर में टाइम शाइम ही नहीं होता ये हमारा होगा। ये प्रोग्राम ना देखे ये प्रोग्राम ना देखे तो वो देखती होंगी, पता नहीं, मैंने उनके घर में इतना इंटरफेयर नहीं किया था, जाती रात के टाइम हूँ शाम में बस थोड़ा सा, इतना अच्छा कब आना जाना। फारुख शाह रात को दिए ना। बंदा देख रहा है कह रहा है क्या करनी है बैठ के, इन्हें घर नहीं लाया, इन्हें नहीं लभ्या इतने आके जो एरिया में यूज कर, लेकिन वीडियो भी तो बन रही है। अच्छा मुझे ये जो हल्के बाल है ना, मुझे उनमें जुमे देखने का मजा आता है। एक तो जल्दी मिल जाती हैं और दूसरे नंबर पर सर भी जल्दी साफ हो जाता है। जो घने बाल है ना उनमें ज़रा डिफिकल्टी होती है। ऐसे ही है, और लंबे बालों में माशाल्लाह जुए देखना बड़ी मुश्किल बात है। ऐसे ही मैं देखती थी ना कश्माला के, जब तो वो एक लीख के लिए इतना लंबा हाथ लेकर जो वहां था, और उसके मियाँ को बाल लंबे भी पसंद होंगे यकीनन। हाँ बहुत खुश होता है उसको देख के, ये कहेगा आंटी मेरी बुढ़ी सोनी है ना, मैंने कहा हाँ मेरी बेटी वाकई बड़ी सोनी है। फिर ना वो बाजू का ना मुझसे ना इसकी शिकायत लगाएगा ऐसे ना मुझे इशारा करके, तो उनका ना बिल आ गया 800 और प्लस ऊपर पता नहीं कितने 40 या 50 रुपये। अच्छा तो कश्माला ने ना फ़ोन पे बताया कि बिल आ गया आपके लिए गुड न्यूज़ है, और 1000 से नीचे नीचे ही है, कम है। हाँ अच्छा तो ना इत्तफाक की बात है कि शाम में ना मैं चली गई फजर को लेने के लिए, ना उस पारा पड़ता है ना उसके पास, तो मैं उसके लिए वो आया नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं ले आती हूँ, एक ही गली में है हमारा घर। अच्छा हाँ अब आके ना एक ही गली में हम, अच्छा तो लेकिन ज़रा डिस्टेंस है एक कोने पे वो एक कोने पे, अच्छा तो वो मैं ना उसको लेने चली गई, तो वो मेरे आने से कोई 5-10 मिनट पहले ही आया था, तो उसने कहा अच्छा बिल दिखाओ मुझे, तो वो बिल जब दिए इतने लगा ना, वो मैं जब गई तो मुझे कहा अरे वेखो आंटी बुढ़ी मेरी बड़ी पढ़ी लिखी है, अरे 8000 बिल है, तो कह दी 800 है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कश्माला ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हाँ वो कहने की आप दोनों एक हो गए, और मैंने बताया तो है कि ये 800 है, मैंने कहा मैं पता है 800 है मजाक कर रहे हैं, तो वो घबरा गई एकदम के पता नहीं शायद मैंने गलत देखा है। अच्छा तो वो इस तरह ये नहीं कि कभी कभी मैं वो एक हो जाती हूँ। हंसी मजाक आपको पता चलता हाँ तो रहता ऐसा हमारा हो जाता है जल्दी। आगे से व्हाइट बाल आने शुरू हो गए आपको। वाइट तो आने ही शेज में, और दूसरा ये कि मैंने बताया था ना मेरा जब वो एक रोल था, तो उसमें उन्होंने मेरे ये केमिकल लगाया ना, उसके बाद से काफ़ी मेरे हो गए थे, जब मैंने अपना वॉश किया ना शैम्पू किया तो काफ़ी बाल मुझे लग रहे थे उससे पहले नहीं थे। अच्छा हाँ अब मैंने कहा मैंने क्या कहा, बेटी की शादी हो शादी गई। कर दी उम्र गुजार ली। हाँ हाँ अब वो जो शौकीनियों के दिन थे या जो गुजार लिए टाइम, अब तो बच्चों का जमाना है, बच्चों का दौर है, इनको देख के खुशी होती है, अपने से छोटों को देख के, अपने बच्चों को बहन भाइयों को इन्हें देख के खुशी होती है, जब ये करते हैं ना काम तो फिर अपना ही सब कुछ याद आता है, तो उनमें ही मतलब ये कि फिर इंजॉयमेंट हो जाती है। सही है। वक्त के साथ साथ ही है ना।
तो कटिंग वगैरह किससे करवाती हैं? कॉलर से। कॉलर से? अब सर्दियाँ आ गई ना, अब करवाऊँगी। मैंने करवाई थी लास्ट टाइम सितंबर, सितंबर में करवाई थी। तो देखना अक्टूबर नवंबर और ये दिसंबर आ जाएगा, 4 माह हो। अब छुट्टियाँ हो गई, क्या करेंगे। चल जब आपको ऑयल लगा दें। अच्छा, किसी का साथ देख रहे हो तो नेचुरली ना आपके सर में ना हारा शुरू हो जाती है। ऐसा ही है। आपको पता है कि एक वो बीमारी होती है बाल झड़, जिसको बोलते हैं। हाँ, बाल झड़। वो बड़ी खतरनाक होती है, उसके बाद बाल नहीं आते फिर। वो जैसे वो बीमारी है ना, जैसे वो बिल्कुल गंजापन नहीं हो जाता मर्दों या औरतों में। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि एक तो वो मौसम नहीं आता जिस मौसम में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। वो तो यही मौसम है ना फिर। हाँ, वो तो यही वाला है। लेकिन एक और वो आपने देखा होगा, बिल्कुल। हाँ, मैंने देखा है, कईयों का बहुत ज्यादा बाल झड़ जाते हैं। हाँ, हमारी गली में एक आदमी है। हाँ, तो वो बिल्कुल इस तरह तांबा नहीं, इसका फुटबॉल होता है। हाँ, ऐसे है उसका बेचारे का। तो अच्छा। वो जो है ना अक्सर कैप ही पहने रखता है, तो उसके बिल्कुल स्किन ग्लो कर रही होती है। वैसे एक बात ये भी है कि जो लोग कैप भी पहने रखते हैं ना, उससे भी होता है बाल का, क्योंकि मैंने ये अपना एक्सपीरियंस किया। मुझे ना जब मैं यंग थी ना, मतलब शादी से पहले की बात है, तो तब नहाना करना ना सर्दियों में, तो टोपी पहन लेनी करनी, मुझे ठंड बड़ी लगती थी। वो जब टोपी पहनी रखनी करनी ना, तो उससे भी मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे बाल कम हो रहे हैं। होते हैं ये वूल जो होती है ना, ये बाल नायलॉन जो होती है ना, ये बाल तोड़ती है, बाल खींचती है, ये ऐसा ही है, कम कर देती है बाल जो हर वक्त कैप पहने रखते हैं। कुछ ये रूट्स की प्रॉब्लम होती है ना, जो हमारी जड़ें होती हैं, ये कमजोर जब हो जाए ना, तो फिर वो तेजी से चाहे वो हम कंघी भी करें, ब्रश भी करें ना, उससे भी उतरती है। सही कह रही, ये रूट्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। पहले औरतें धूप में बैठी हुई हैं, बालों में ऑयलिंग हो रही है, मूलियाँ रखी हुई हैं पास, टमाटर कटे रखे हैं, गाजरें रखी हैं, ऐसे ही खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब तो टाइम ही नहीं इतना होता, यकीन करें, बस टाइम इधर सुबह हुई इधर शाम हो गई, पता नहीं चलता। ऐसे ही सही। हालांकि मुझे सब कहते हैं आपकी कौन सी फैमिली, आपको कैसे आधा दिन तो स्कूल में गुजर गया। लेकिन हाँ, अब ये जो आने वाला टाइम है ये नहीं मैं कह सकती। पहले पहले बहुत बोरी होती थी। तो कैसे करती थी जब ये कोविड में लास्ट टाइम, किस तरह टाइम था? तो फजर भी नहीं था मेरे ख्याल में, है ना? फजर आया था दरमियान में। अच्छा, आ गया था। अच्छा। तो फिर मेरा फिर ये होता ना कि मैं रात को नहीं सोती। तो सुबह क्या करती? रात को ये है कि मैंने उठ गई हूँ, बैठी हूँ, लेटी हूँ, अपनी मर्जी से टीवी देख लिया, मोबाइल में लग गई, और अगर मोबाइल नहीं है तो कोई बुक्स पढ़ ली, या फिर बस ऐसे ही कुछ अपना वो कर लिया, अपना कोई भी काम देख लिया घर का। रात को नहीं नींद आती मुझे, जब से कश्माला की शादी हुई ना मैं नहीं सोई। पहले दोनों माँ बेटियाँ लगी रहती होंगी? नहीं। हाँ। लगी नहीं रहती थी हम। हाँ। रात को हमारी रूटीन बनी हुई थी, 11 बजे हमने सो जाना है, सुबह सुबह उठ जाना, सुबह स्कूल जाना है। अच्छा। फिर वहाँ से हम दोनों आती थी, 2 बजे घर आती थी। वो भी टीचिंग करती है ना? उसने भी की, वो मेरे साथ करती थी, 1 साल की है उसने। फिर वो उसकी स्टडी भी चल रही थी ना, तो उसने कहा मामा जरा चले फीस वीस का मसला हल हो जाएगा, रेंट भी देना होता है। तो फिर उसने की थी। तो ये है कि फिर हमारा एक रूटीन बनी हुई थी, अब मेरी रूटीन को ही है। फिर मुझे उसका होता था कि ये मैं जागूंगी तो ये भी जागेगी, फिर मुझे उसका शेड्यूल देखना पड़ता था। मैं इस वजह से ना फिर मैंने एक रूटीन बनाई हुई थी। मैंने कभी घड़ी वॉच नहीं देखी थी, टाइम नहीं देखा मैंने, क्योंकि अब मुझे पता था कि अब इस टाइम ये टाइम हो रहा होगा, मुझे पता। अच्छा। हाँ, वॉच कभी भी मैं देखती थी, मैंने वो पता है कि वो माइंड में वो चीज़ जो है ना वो बैठना शुरू हो जाती है हर काम रूटीन से, परफेक्ट टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे।
تو بس یہ ہے کہ جب سے وہ گئی ہے نا میری روٹین ہو گئی. ویسے آپ کو ایک مشورہ دوں, ابھی کووڈ ہے نا تو آپ گھر ہیں نا, تو دو تین بچے کم از کم ٹیوشن کے لیے رکھ لیں, نہ زیادہ رکھیں. ٹیوشن تو بچے میرے پاس بہت آ گئے, میرے گھر میں جگہ نہیں ہے نا, اونلی بس درمیانہ سے ایک روم ہے چھوٹا سا, ایک روم ہے بس. ہاں سنگل روم یہ اب لیا ہے میں نے, تو کرایے اتنے بڑھ گئے تھے نا رینٹ گھر کے. اچھا میرے سے افورڈ نہیں ہو رہے تھے بل وغیرہ. اچھا تو یہ پھر میں نے نا میں نے کہا اس کا بھی 6000 ہے, اس کا بھی ہاں 6000 ہے, صرف ایک کمرے کا. ایک کمرے کا چھت کوئی نہیں ہے؟ چھت پہ چلے جاؤ, انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں بہت سارے. اچھا ہاں وہاں ان کے لڑکے وڑکے ہوتے ہیں, چھت پہ کیا کروں جا کے بس. وہ یہ ہے کہ اب میرے پاس بچے تو آ جائیں لیکن جگہ نہیں ہے. اگر میں دیکھیں پہلے جگہ لے لیتی ہوں نا, پھر بچوں کو پتہ نہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, تو پھر میں رینٹ کہاں سے دوں گی. اور اس وجہ سے میں اتنا کام کرتی ہوں جتنا میرے سے نا آسانی سے ہو جائے. یہ لون لے لیا ادھر سے پکڑ, یہ کر وہ کر, یہ تنگ ہونا, تو میں یہ نہیں کرتی. کبھی مالک مکانوں کو نہیں میں نے پریشان کیا, اپنے لیے ہو جاتی ہوں. کپڑے جوتے کھانا پینے میں کمی کر دیتی ہوں, لیکن رینٹ وغیرہ میں نہیں, بلوں میں نہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں بہتری کرے. وہ دیکھیں سامنے سورج جو ہے نکلنے کی شکر وہ کر رہا ہے کہ میں باہر نکلوں, لیکن بادل جو ہے نا اس کا اپنے گھیرے میں نہیں. روپ تو میرے خیال میں 5-6 بجے کے قریب ہوگا, لیکن یہ ریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بادل جو ہے نا بادلوں کی روشنی میں ہمیں ٹکرا کے اس کو ایسے کر رہی ہے. مجھے تو ایسے بڑا مزہ آتا, میرے ہسبینڈ بھی کرتے تھے مجھے ایسی مالش نا. میں شادی کے بعد مجھے چونکہ عادت تھی مالش وغیرہ کرانے کی, تو شادی کے بعد جب میں نے امی کے گھر جانا کرنا تو میں نے امی کو جاتے کہنا رات کو نا امی میں مالش کر دیو. میں نے دوسری تیسری دفعہ کہا تو میرے ابو کہتے ہیں تو میری بیوی نے مالش کیا سمجھیا. وہ ایک چیز کی عادت ہوتی ہے نا, روٹین ہوتی ہے, تو پھر وہ بے سکونی سی لگتی ہے انسان. نہیں میری وہ ماسی کرتی ہوتی تھی, لیکن کبھی کبھار امی سے بھی کروا لیتی تھی, تو اب ماسی نہیں تھی اس وقت اویلیبل, تو میں نے کہا نا کہ نا آپ کر دیں, آپ کرتے امی. تو پھر امی نے بھی امی کو بھی پتا تھا کہ اس کا سر کمزور ہے, امی نے مجھے کر دینی. اور پھر میں نے گھنٹہ گھنٹہ امی نے میری کرتے رہنا گھنٹہ گھنٹہ ایسے ایسے کریں نا, تو یہ ان جگہوں سے نا سیک بھی جس طرح سے ہیٹ نکلتی ہے نا. کشمالا کے پہلے میں لگا دیا کرتی تھی بالوں میں آئل, پھر جب سے اس کی شادی ہوئی یہ ساری روٹینز میری ختم. نہیں لگا دیا کریں, اب بھی آئے گا نا کبھی تو آپ اس کو 15 منٹ ہی بے شک آئلنگ. وہ آتی ہے فری ہو کے آتی ہے شاور وغیرہ لے کے ریڈی ہو کے, تو یا پھر آئل کس کو یاد رہتا ہے؟ ہاں پھر اپنی باتیں ہی نہیں ماں باپ کی, ماں اور بیٹی کی ختم ہوتی ہوں گی. وہ ہاں میں کوکنگ میں لگ جاتی ہوں. وہ اول تو بہت دن ہو گئے, کافی عرصے سے میرے پاس نہیں آئی ہے, جب سے میں ان کی گلی میں آئی ہوں نا ان کے, تو تب سے وہ میرے گھر صرف ایک بار آئی ہے یا دو بار آئی ہے. اچھا وہ بھی ایک دو گھنٹے کے لیے. اچھا میں ہی مطلب چکر لگا رہی ہوں کیونکہ گھر نہیں ہوتی, کس طرح آئے پھر رات میں اس کا میاں تھکا ہوا آتا ہے, بس ایسے فون پہ زیادہ بات ہو جاتی ہے. چلیں اپنے گھر ہیپی ہیپی رہے. بالکل میں یہی مطمئن ہوں کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے, بس ہر بیٹی کو اللہ پاک سکون چین دے, تو میں بس اسی لیے نا مطمئن ہوں کہ بس اس کا اپنے گھر میں. اور جس وقت اس کی شادی ہوئی نا ولیمے کے بعد نا, آپ یقین کریں گی میں پورا اس کے گھر ایک ماں ہی گئی. اچھا ولیمے کے بعد, ولیمہ جو ہم آ گئے نا ٹینٹ سے, تو ایک ماہ تک میں اس کے گھر نہیں گئی. اچھا ہاں پھر جی وہ بہت اس نے بلایا, کہنے لگی ماما آئے, داماد بھی گئی, اچھا ساس سسر نے بھی, تو تب پھر میں اور عامر اور اجر گئے ان کے گھر, اس کے گھر ایک ماہ تک میں نہیں گئی. میں نے کہا میرے سے یہاں برداشت ہو رہا ہے, وہ ابھی نہیں نہیں گئی ہے, اس کا دل لگنا چاہیے. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. تب تو میرا اس کے گھر کا کافی ڈسٹینس تھا, اب تو میں پاس آ گئی نا, پہلے وہ مطلب ڈسٹینس تھا, تو میں پھر نہیں جاتی تھی. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, اس کا دل لگنا چاہیے. میں پورا اس کے یہاں, پھر ایک بار ایسا ہوا موقع کہ میں ایک سال نہیں گئی, ایک سال ہو گیا تھا تقریباً, بس میں کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نہیں گئی. وہی آ جاتی ٹھیک ہے,
तो फिर वो जब उसकी नंद की शादी हुई ना, फिर उसने मुझे बहुत कहा कि मामा अपना कितनी है नंदा? चार, चार दो की हो हाँ गई है? दो की, जब कश्माला गई तो हो चुकी हुई थी शादी, अच्छा बच्चे हैं उनके, अच्छा फिर कश्माला के जाने के बाद एक नंद की हुई है, और अब एक नंद और एक देवर रह गई, अच्छा एक ही हो। अच्छा अच्छा मैंने कई जगह ना पढ़ा है कि जी बाल ऐसे खींचने से लंबे होते हैं। अब पता नहीं इस चीज में मैं आप रूट्स पर सर्च डिपेंड करूं करता ना, अगर रूट्स मजबूत तो हैं मैं उनके कहती हूँ लिए। ऐसे ऐसे खींचने से तो बहुत ज्यादा वो होएगी कि आपके बाल। ये ऐसी आती है कमी जभी तो हुआ है, हम छोटे छोटे होते ना ग्वाल मंडी में, तो दो चोटियां की होती थी माओ ने, हमारी भी उन बच्चियों की भी, तो जब लड़ाई होती थी ना एक दूसरे की चुटकियां खींच के भाग देते, भाग जाना चुटकियां खींच लड़के तक, अच्छा हमारी उम्र हो गई जो लड़के भी थे ना, अब अच्छा तो वो बाबे हो गए होंगे, तो वो चुटकियां खींच के ना तो भाग जाना। पुराने एरिया में जाती नहीं है फिर आप ग्वाल मंडी? हाँ है, हमारे सारे रिलेटिव वही है, अच्छा बस कम हो गए ना, मैंने बताया ना अम्मी की डेथ के बाद, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, जैसे हम मेरे लिए तो सभी खत्म हो गए, अच्छा कुछ मेरे हालात तो इस तरह हो गए हैं डाउन, ये ठहर जाए, इधर ना थोड़ी सी उलझन पड़ी हुई है। तो वो फिर नहीं, मैं चली जाती हूँ अपने इलाके में, वो भी वो रह ही नहीं गई बातें ना, इतना टाइम होता है, ये पकड़ी है। हाँ ये तो कुछ भी नहीं, ये असल में वो लकड़ी वाली कह रही हूँ ना मैं, कोई बात नहीं, लकड़ी वाली तो ज्यादा फायदेमंद है। नहीं मैं कह रही हूँ इसकी वजह से भी शायद कम होता रहे हैं। हाँ ये बात है। ये कह रही हूँ। हाँ पहले मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की कंघी होती थी। ऐसे जब से बाल उतरना शुरू है ना, ऑयल भी इसलिए नहीं लगाती कि फिर और कम लगने लगते हैं। अच्छा हाँ हाँ ये भी है, इतने ऐसे लगने लगते हैं, स्कूल में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ना कि मेरे ऑयल लगा हुआ होगा, स्कूल में तो वैसे भी कोई नहीं लगा के और आती वो बड़ी वैसे कोई। भी वहाँ मेरी बाल खुले होते हैं ना। वैसे मुझे याद है हमारी जो गवर्नमेंट की जो टीचर्स है ना, गवर्नमेंट लेवल पे जब हम कॉलेज में पढ़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ टीचर्स जो थी ना काफी पुरानी रेज, वो लगाया करती थी यार, वो नहीं अपनी आते छोड़ते पहले के लोग, तो अब ये जो है, अब मैं अपने स्कूल में होती हूँ ना, तो मुझे जो नई टीचर्स आई हुई है ना गुज़िश्ता जो एक दो साल से आई हुई है, वो मुझे कहते हैं मिस आप ना मैडम आप ना ऐसा लगते हैं गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है। अच्छा मैंने कहा वो आपको कैसे लगता है मैं गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हूँ? अच्छा वहाँ पे ऐसी होती है एज में, अच्छा एज में, अच्छा तो मैंने कहा हाँ जाहिर बात है अच्छा दौर होता है सबका, तो वो कहती हैं आप ना हमें गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, कैचे लगा दूँ कैसे खुले ही रहने दूँ? नहीं हाँ ये हल्की सी मैंने पोनी कर दी छोटी छोटी सी आपकी शॉर्ट पोनी हो गई जैसे। तो स्कूल में तो बिल्कुल खुले ही होते हैं बस आहा किया और ऐसे ही होता है, लेकिन ये कि घर में मैं फिर ये कैचे इस्तेमाल करती हूँ, कम बालों की मुसीबत या फिर एंड इनका यही कि कटिंग ही करवानी पड़ती है, ना पोनी आते हैं ना ये चुटिया बनती है, चुटिया करे कौन मेरे साथ, तो मैंने फिर यही किया हुआ ये ले सालों आपके बालों की मैंने कर दी है पोनी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।